जब भी आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हो तो हमेशा अपने दिमाग में एक ही सवाल रहता है, इस पॉलिसी में मेडिक्लेम जो है वो कैशलेस फैसिलिटी है ना के रीइंबर्समेंट में है, तो कैशलेस और रीइंबर्समेंट में क्या फर्क होता है और ये प्रोसेस कैसे चलती है, इसके ऊपर ये वीडियो है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, नॉर्मली अपना 2-3 मिनट का वीडियो रहता है, आज शायद 5 मिनट तक जा सकता है, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आज हम कैशलेस की प्रोसीजर आपको बताने जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता कभी आपके ऊपर ऐसा सिचुएशन आए कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो हॉस्पिटल पे जाने के बाद आपको आपका जिस कंपनी का जो पॉलिसी है उसके एक तो वेबसाइट से भी पता चलता है कि कौन से हॉस्पिटल उनके पास रजिस्टर्ड है कैशलेस के लिए, या फिर उस हॉस्पिटल में एक TPA या इंश्योरेंस करके काउंटर होता है, वहां जाके आपका पॉलिसी दिखा के आप पूछ सकते हो कि ये पर्टिकुलर कंपनी का पॉलिसी विद दिस TPA कैशलेस फैसिलिटी है क्या। अगर है तो आपका केस कैशलेस में चलेगा। कैशलेस मतलब आपको कुछ भी पैसा नहीं भरना है। हाँ, आपके पास एक डिपॉजिट लेंगे, क्यों लेंगे इसका मतलब बाद में बताता हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ कि कैशलेस का प्रोसेस कैसे चलता है। जैसे हॉस्पिटल और जो इंश्योरेंस कंपनी है इनका आपस में एक एग्रीमेंट रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी का क्लाइंट अगर पॉलिसी होल्डर अगर उस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो उसका बिल भरने का जरूरत नहीं है कस्टमर को, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को दे देगी, तो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। जब भी वो हॉस्पिटल को हॉस्पिटल इन्फॉर्म करते हैं इसको इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी पहले पॉलिसी को और आपका मेडिकल रिकॉर्ड छानने के बाद लगभग 1 घंटे के अंदर उनको इन्फॉर्म करती है कि हाँ ये हमारा कस्टमर है, इसका क्लेम हम एक्सेप्ट करते हैं और एज ए टोकन एक एडवांस अमाउंट छोटा सा रिलीज कर देते हैं। इसके बाद आपका जैसे हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता जाएगा जितना दिन का आपको बोला है तभी रनिंग बिल वो निकालते रहते हैं, मतलब एडिशनल अमाउंट का और एडिशनल अमाउंट का बिल निकालते रहते हैं, वैसे और थोड़ी थोड़ी अमाउंट रिलीज की जाती है। और इसके बाद जिस दिन आपका आप ठीक हो गए और हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज मिल रहा है, आपको बोल रहे आप घर जाओ, उस दिन आपका फाइनल बिल आता है और फाइनल बिल आने के बाद आपका फाइनल सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को करती है। अभी इसमें ये चीज है कि फाइनल वाले दिन पे नेचुरली डॉक्यूमेंट की ज्यादा चेकिंग होती है, सभी डॉक्यूमेंट जो स्कैंड ऑफ कोर्स भेजे रहते हैं वो पहले डॉक्टर के पास जाएंगे मेडिकल टीम के बाद, वो सब पेपर चेक करेंगे रूल के मुताबिक है कि नहीं। सेकेंडली उसके बाद वो पेपर अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद अकाउंट्स वाला अमाउंट रिलीज करेगा हॉस्पिटल। ये सब प्रोसेस में कंपनी रूल के हिसाब से देगी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो रूल के हिसाब से जो भी कंपनी ने उनको दिया है उसके बाद जो अमाउंट डिसअलाउ हुई है रूल के अंदर नहीं बैठ रही है वो जो अमाउंट है उतना आपका क्लेम नहीं सेटल हुआ है तो उतने का जो अमाउंट है वो हॉस्पिटल आपके जो डिपॉजिट है उसके अंदर एडजस्ट करेगी। तो ये हो गया कैशलेस का टोटल प्रोसीजर और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ वो स्कैन डॉक्यूमेंटेशन और इंश्योरेंस कंपनी ने उनको ईमेल पे लिखा इतना इतना अमाउंट अप्रूव हुआ है। फिजिकल पेमेंट होता नहीं है, NEFT पेमेंट होता नहीं है। आपके डिस्चार्ज के बाद आपके ओरिजिनल सभी पेपर्स जब भी इंश्योरेंस कंपनी भेजती है हॉस्पिटल भेजता है इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बाद आपका क्लेम बैंक ट्रांसफर जो होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बाद, तो आपके डिस्चार्ज के बाद थोड़े एक हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद ही आपका क्लेम एक्चुअल में सेटल होता है। हॉस्पिटल के पहले का जो खर्चा है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वाला खर्चा है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, वो रूल के हिसाब से आपको रीइंबर्समेंट में आपको क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी के पास से, वो कैशलेस में नहीं आता है। ये हो गया है कैशलेस का टोटल प्रोसीजर। हमेशा कैशलेस को प्रिफर करना चाहिए। आपने मार्च 1 और 2 का अगर IRDA का न्यूज आपने पढ़ा होगा पेपर्स में आया था, तो इवन IRDA द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंश्योरेंस ऑल्सो इज रिकमेंडिंग दैट पीपल शुड ऑप्ट फॉर कैशलेस मेडिक्लेम इंश्योरेंस ओनली। तो जिस हॉस्पिटल में कैशलेस है ऐसे ही हॉस्पिटल को हमने प्रिफर करना चाहिए। रीइंबर्समेंट कब होता है, अगर उस हॉस्पिटल का और इनका एग्रीमेंट नहीं है इंश्योरेंस कंपनी का तो ऐसे वक्त पे आपको रीइंबर्समेंट में जाना है, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके बाद जैसे आपका डिस्चार्ज होता है तभी आपको सब फॉर्म फिलअप करके इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना है और उसके बाद वो लोग पेपर की छानबीन करके आपका क्लेम सेटल करेंगे और आपको अमाउंट दे देंगे। कैशलेस में इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पैसा देती है,
रीइंबर्समेंट में हम पहले हॉस्पिटल को पैसा देते हैं, बाद में इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देती है। तो जो रीइंबर्समेंट है उसमें सिंस रूल के हिसाब से आपको मालूम नहीं हॉस्पिटल ने बिल कैसे बनाया है, इसके लिए रीइंबर्समेंट में आपके टोटल एक्सपेंस से कटौती ज़्यादा होने की संभावना है। इसके लिए कभी भी कैशलेस को हॉस्पिटल को प्रीफर कीजिए, रीइंबर्समेंट में मत जाइए। यही आज का एडवाइस था। अगर कभी इमरजेंसी आ पड़ी तो इनिशियली यू कैन गो फॉर ए हॉस्पिटल विच इज़ नॉट इन द नेटवर्क, विच इज़ नॉट गिविंग कैशलेस, लेकिन इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद आप हमेशा कैशलेस वाला प्रीफर करना, ताकि आपके जेब से कम पैसा जाए उसको आप पे कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों को पता चले कि कैशलेस इंश्योरेंस क्या होता है।